मैं कमिंग सर। आइए आइए आइए। आपका नाम? तो अक्षय कुमार सर। हिंदी में बात करना अच्छा लगेगा आपको या अंग्रेजी में? हिंदी हिंदी ठीक है। तो बताइए अपने विषय में। सर मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पुरानी दिल्ली। और मैंने एमटेक किया हुआ है, मतलब पढ़ाई के तौर पर, और वैसे मुझे फिल्में देखना पसंद है। एमटेक किया है वैसे। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। बीटेक आपका किस साल का है? बीटेक 2012 का है सर बीटेक। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया था। आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती, अब सॉरी, मतलब C++। C++ था। मुझे बताइए कि C++ और C#, इन लैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिक अंतर क्या है? क्यों C++ से C# की तरफ गए? सर एक्चुअली तो याद नहीं है याद नहीं है। आपका मेजर प्रोजेक्ट किस चीज़ पे था? सर, वो प्रोजेक्ट तो नहीं किया था बीटेक में प्रोजेक्ट नहीं किया? सर, वो एक्चुअली मतलब टाइम नहीं मिला। हाँ नहीं, बीटेक में तो आपने प्रोजेक्ट किया होगा ना, एक 100 नंबर का होगा। सर, वो मतलब याद नहीं है वो प्रोजेक्ट क्या किया था। अपना प्रोजेक्ट नहीं याद है। वेरी गुड। आपका एमफिल का रिसर्च किस चीज़ या PhD का रिसर्च किस टॉपिक पे हो रहा है? सॉरी सर, वो याद नहीं है। तो बताइए कि भूगोल के, भारत के भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट ISSN जर्नल्स कौन से? सॉरी सर, वो याद नहीं है एक भी जर्नल नहीं देखते रिसर्च करने के लिए? अभी सर, अभी मतलब देखा नहीं। नहीं देखा। सबसे ज़्यादा किस मूवी ने आपको प्रभावित किया है? ये एक मेरे मतलब इंटरेस्ट का सवाल है एक्चुअली। वैसे देखा जाए तो काफ़ी फिल्में हैं जो मुझे पसंद है मैम, लेकिन नंबर 1 पे बोलेंगे तो सबसे बेस्ट मुझे लगती है हेरा फेरी। अच्छा, किस कारण से उस मूवी ने आपको प्रभावित किया? दो कारण बताइए। एक्चुअली एक तो उसमें क्या है कि 21 दिन में पैसा डबल, तो वो मुझे अच्छा लगता है, और दूसरा वो काफ़ी वास्तविकता से जुड़ी हुई फिल्म है, बहुत मतलब ऐसे। इंटरव्यू बस पूरा होने वाला है, बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। अब मुझे मुझे सुनाना है जोक? अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली एक मेरा एक हरामी दोस्त था, वो साला हरामी मुझसे पैसे मांग रहा था उधार। तो मैंने कहा कि देखिए, कोरोना का टाइम है, इसमें तू मुझसे क्या पैसे मांग रहा है, तू मुझसे कुछ भी मांग ले। उसी में हंसी आई होगी यस आपको। ठीक। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पे मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी सर। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं थैंक यू कोई सर, समस्या नहीं है। हो थैंक यू। हाँ सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक पहन लीजिएगा। ठीक है। देखो, जिन प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहाँ आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा नहीं लगे बस। आपसे बात करके अच्छा लगता है और कुल इम्प्रेशन अच्छा है। शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका टेंटेटिव रहता है, आप थोड़ा सा हल्का सा कंपन दिखाई देता है और लगता है कि अभी आप सेटल नहीं हुए, लेकिन जब सेटल हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद योर हेयर स्टाइल, वो पूरे में जा नहीं रहा है। मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर जी रहा हूँ, सर हम एक बार खुद सोचिएगा कि अगर हेयर कट की ज़रूरत है तो हेयर कट लीजिए, या सर इससे छोटा क्या करवाऊँ। सोचिएगा कि अदरवाइज आप एकदम फॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन किसी वजह से आपका हेयर उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। थोड़े बड़े हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ जेल लगा लूंगा। जेल 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 लगा क्या, बाल खुले किसी हेयर कट की जरूरत हो तो हेयर कट ले लीजिएगा। वो मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। सर वो थोड़े बड़े हो जाए जेल लगा के अच्छा कर लूंगा मैं। यस सर। तब से बड़ी चिंता की बात है कि अंत में मैंने आपसे पूछा जोक सुनाओ, और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक एक। आप समझ रहे हैं कि IAS के इंटरव्यू के बोर्ड में इन शब्दों का प्रयोग इसका क्या मतलब होगा? सॉरी सर, एक्चुअली वो जोक तैयार नहीं करके आया था सर मैं, इसलिए। ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है। अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जोक याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा? सॉरी सर। जितना मुस्कुराना चाहिए वहाँ मुस्कुराओ जहाँ मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है।
तो ये आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि हाँ पूछ ले क्या पूछेगा, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने, ये भाव आता है मन में, तो वहाँ मुस्कुराहट चुभती है, उससे बचिए। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस आप में ज़बरदस्त है, दिखते स्मार्ट हुई। मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार, मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब ज़रूर दोगे, भाषा ठीक रखोगे, तो प्रॉपर आईएएस से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।